जहां विष्णु और शंकर दोनों एक साथ हो, ऐसी नदी के तट पर तू चले। जहां विष्णु और शंकर दोनों एक साथ हो, ऐसी नदी के तट पर तू चले जा। भारत की भूमि पर केवल एक ही नदी है जिसके तट पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर एक साथ हैं, वो पंडरपुर की चंद्रभागा नदी है। वो पंडरपुर की चंद्रभागा नदी जहां भगवान विष्णु के मस्तक पर शिवलिंग है। जा नारद, तो नारद बोलते हैं चंद्रभागा के तट पर वो चंद्रभागा जो तप कर 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 हार गई थी और उसको ऋषियों ने दर्शन नहीं दिया था। चंद्रभागा की मां चंद्रभागा को बार बार कहती रही, चंद्रभागा का चरित्र, चंद्रभागा नदी का चरित्र YouTube पे डला होगा। कमलापुर में कथा करने आए थे माँ कमला के मंदिर में, शायद 12-15 साल हो जाना चाहिए, इससे पहले की बात होगी। कमलापुर आए थे तब हमने चंद्रभागा नदी का पूरा चरित्र वर्णन करा था कि चंद्रभागा नदी की माँ का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, चंद्रभागा कब बड़ी हुई, कब तप करा, कब साधना करी, किन ऋषियों के साथ बैठकर तप साधना करी और उसके बाद चंद्रभागा फिर पंडरपुर गई। तो पूरा चरित्र बचा है कमलापुर की कथा में, अगर आपको यूट्यूब पर सुनेंगे तो निकल जाएगी, आप सुनिएगा उसको कि चंद्रभागा नदी की माँ कौन थी, पिता कौन थे, चंद्रभागा ने कितना तप करा था। तो देवऋषि नारद कह रहे वो चंद्रभागा जिसकी माता समझा रही थी और चंद्रभागा को ऋषियों का दर्शन नहीं हुआ था, वो चंद्रभागा क्या मेरे पाप को धो देगी। भगवान नारायण ने कहा सुनो नारद, चंद्रभागा ने फिर नारायण और शिव का भजन करा तो ऋषियों का भी दर्शन हुआ और चंद्रभागा को वर मिला कि सुन चंद्रभागा, जहां शंकर का शिवलिंग भगवान विष्णु के साथ विराजा होगा उस भूमि के सम्मुख में तू निकल कर जाएगी, नारायण और शिव की दृष्टि तेरे पर पड़ेगी। जो चंद्रभागा नदी पंडरीनाथ मंदिर से बहुत दूर दिखती है, ये तो दूर अब कर दी है, नहीं तो पहले हरि विठल के मंदिर के ठीक सामने से चंद्रभागा निकल कर जाती थी और हरि विठल पर उसकी दृष्टि पड़ती थी चंद्रभागा नदी पर। पुराना इतिहास देखना, पुराने चित्र देखना, आपको दर्शन करने को मिलेंगे। हरि विठल और भगवान शंकर की दृष्टि चंद्रभागा नदी पर पड़ती थी। चंद्रभागा ने तब साधना कर कर मांगा था भगवान शंकर और भगवान विष्णु से कि आप मेरे तट पर विराजमान हो और ऐसी कृपा करो कि गंगा यमुना सरयू मंदाकिनी जितनी पवित्र नदियां हैं वो नदियां भी मेरे दर्शन को आए और उनका भी कल्याण हो जाए। ये चंद्रभागा को भगवान विष्णु का वर दिया था। भगवान विष्णु का वर है चंद्रभागा नदी को। चंद्रभागा नदी भगवान विष्णु और भगवान शंकर के मिलन का स्थान है, इसलिए नारायण के चरणों में गंगा सरयू मंदाकिनी छिपरा आदि जितनी पवित्र नदियां हैं, नर्मदा जितनी पवित्र नदियां हैं, सुनो चंद्रभागा प्रतिदिन दोपहर के समय पर सारी पवित्र नदियां आपका दर्शन करने के लिए आएंगी। इसलिए आज भी चंद्रभागा नदी का स्नान जब वारकरी संप्रदाय का व्यक्ति हो, लिंगायत संप्रदाय का हो, वैष्णव हो, परम भगवदीय वैष्णव हो, जब चंद्रभागा नदी का स्नान करता है, स्नान करते से सारे पवित्र नदियों के स्नान का फल उसको वही मिल जाता है। वही चंद्रभागा के पवित्र दर्शन मात्र से, चंद्रभागा के मात्र स्नान से पुण्य। तो देवऋषि नारद करें मैं चंद्रभागा के तट पर जाऊं, हाँ वहां जाकर मुझे क्या करना है, तो के तप कर। तप कैसे करूं, चंद्रभागा की बालू रेत का शिवलिंग बना उसका पूजन कर, चंद्रभागा का जल लाकर बालू रेत के शिवलिंग पर चढ़ा, क्या होगा, पूर्व का किया गया पाप छिन्न हो जाएगा। आज भी नियम है चंद्रभागा के नदी का कंकर, चंद्रभागा की बालू का बनाया गया शिवलिंग और चंद्रभागा का चढ़ाया
गया जल हमारी 71 पीढ़ी को तार देता है। अगर कोई उलझा